मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज क्लास 12 एंड द चैप्टर नंबर 4 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड दिस इज टी एस गिरवाल बुक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 4. दिस टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ये अकाउंटिंग मतलब क्या ट्रीटमेंट, ठीक है, कि हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, मतलब कैसे जनरेटिव मारेंगे, कैसे इसका काम करेंगे. रिजर्व क्या है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, पहले उसको समझेंगे तब ना उसका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे. सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि हमारा ये रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है. इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है जो क्वेश्चन नंबर 9 है और टी एस अग्रवाल की नए बुक से है, न्यू एडिशन जो है उससे आप उसको मैच कर सकते हैं या फिर पुराने अगर बुक में भी आपका ये नाम है तो आप इसको देख सकते हैं. डीके गोल्ड में भी आपका सेम क्वेश्चन रहेगा, बस नाम थोड़ा अलग रहेगा, आप उसको भी बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है. देखिए समझिएगा, कोई भी फॉर्म हो वो कितना कमाता है. मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है, मान लीजिए पहला साल उसने फर्स्ट ईयर जो है 1 लाख रुपए कमाया, तो उसका हमेशा कुछ परसेंटेज वो फ्यूचर के लिए रख देता है ताकि वो संस्था के लिए काम आए या फॉर्म के लिए काम आए. 10,000 रुपए अलग कर दिया तो इस प्रकार से 10-15% 20% जो भी चाहे वो हर साल कुछ पैसा को रिजर्व करते जाता है, मतलब फ्यूचर यूज के लिए रखते जाता है. तो हमेशा याद रखिएगा जो भी रिजर्व करता है फॉर्म उसको हम लोग एक्चुअली में रिजर्व कहते हैं. क्या कहते हैं, रिजर्व. अब दूसरा टॉपिक है हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट. ये क्या है, जैसे मैंने गुडविल के बारे में बताया, आज मैंने रिजर्व के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है ये भी जान लेते हैं. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अब ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है समझिएगा. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ठीक है, यहाँ पे डबल सी हो जाएगा, यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो गया. अब ये प्रॉफिट क्या है, जैसे मान लीजिए पहला साल आपने 1,10% किया, दूसरा साल आपको प्रॉफिट कंपनी का 1,50,000 हो रहा है, आपने उसका फिर 10% कर दिया, 15,000 हो गया. फिर अब थर्ड ईयर आपको और प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर आपने उसका भी कुछ पैसा क्या किया, रिजर्व कर दिया 10%, तो 20,000 रुपया. तो देखिए समझिएगा, रिजर्व का मतलब होता है एक साल का आपने क्या रिजर्व रखा. अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि हर साल आपने क्या रिजर्व करके रखे हैं, तो सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38,000-45,000, मतलब ये हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो है 45,000 किया. ये भी एक तरह का रिजर्व ही होता है, आप इसको भी रिजर्व कह सकते हैं, ठीक है ना. तो ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. बस याद रखिएगा, रिजर्व बोले या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बोले, दोनों का दोनों कंपनी जो है अपना फ्यूचर यूज के लिए, जो अगर फ्यूचर में कुछ अगर उसको दिक्कत होगा उसके लिए वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बनाता है या रिजर्व बनाता है ना. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कभी रिटर्न अर्निंग बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग. तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा कभी कल रिटर्न अर्निंग भी देगा. तो आपको याद रखना है बस इतना ही कि चाहे रिजर्व कहिए चाहे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहिए, ये दोनों एक तरह का क्या है, रिजर्व है, जो कंपनी बस फ्यूचर के लिए करता है. मतलब फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो गया, फ्यूचर में मशीन लेने का जरूरत पड़ गया या कोई भी रिक्वायरमेंट आ गया, तो इन रिजर्व को वो इस्तेमाल करता है. वो बैंक में ना जाने की जगह वो अपना ही फॉर्म में जो रिजर्व करके रखा है, एक अकाउंट बना के रखता है, उसी में वो अपना पैसा ट्रांसफर करता है. हर साल जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका कुछ पैसा हमेशा बचाते रहता है. कभी भी अगर कोई कंपनी इस तरह से करती है तो वो कंपनी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है मार्केट में, और उसके जो नीड है फाइनेंशियल जो पोजीशन का, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, मनी का जो रिक्वायरमेंट है, वो इस प्रकार से रिजर्व से कंप्लीट करता है, ठीक है. तो याद रखिएगा, एक होता है गुडविल जो कंपनी का रेपुटेशन दिखाता है, वो भी एक तरह का रिजर्व कह सकते हैं आप, ठीक है. और कंपनी और भी सर्वाइव करने के लिए और भी मजबूती से रहने के लिए इस प्रकार का भी रिजर्व को बनाते रहता है. और याद रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता था. देखिए पुराना रेशियो कुछ और था, नया रेशियो कुछ और था, तो हमेशा गुडविल में असर करता था. उसी प्रकार से जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, आपका यहाँ पे रिजर्व में भी बदलाव आएगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में बदलाव आएगा, इस समय भी चेंज आने लगता है. बट क्वेश्चन में अगर बोलेगा एडजस्टमेंट पे तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं कुछ बोलेगा तो रिजर्व. देखिए मान लीजिए अगर ये रिजर्व है, ठीक ना, इस रिजर्व का कंपनी अगर बना रहा है कि फ्यूचर में हम मशीन खरीद लेंगे या फ्यूचर में कोई चीजों में हम इन्वेस्ट कर देंगे, और किसी चीज में अगर इन्वेस्ट नहीं होता है ये रिजर्व, तो पार्टनर आपस में बांट लेता है. जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जैसे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें वो पार्टनर क्या करेगा, आपस में बांट लेगा, ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं. ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस क्वेश्चन का, ताकि मैं आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में बता सकूं. अब डिटेल से हम लोग आते हैं और डिटेल से हम बताते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है. नित्या एंड आनंद आर पार्टनर इन फर्म. नित्या और आनंद क्या है, पार्टनर है फर्म में.
सेलिंग प्रॉफिट रेशियो जो है तीन और दो है, तो आप हमेशा याद रखिएगा नित्या हो गया, आनंद हो गया, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो तीन और दो है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2021 है, उससे पहले 2020 था, तो 2020 में मान लीजिए प्रॉफिट सेलिंग रेशियो तीन और दो था, ये 2020 का मान लेते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट सेलिंग रेशियो तीन और दो में बांट रहा था। फिर 21 से वो लोग तय किया कि हम लोग जो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो होगा, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मतलब इक्वली शेयर करेंगे 1:1। मतलब पहले जो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो था अलग है, अब उसके बाद नया साल में नया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। पार्टनर क्या करते, पुराना जो भी प्रॉफिट सेलिंग रेशियो था उनका, जिस हिसाब से प्रॉफिट को बांटते थे, अब नया साल में वो नया तरीके से अगर बांटना चाहते हैं तो वो हमेशा प्रॉफिट सेलिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, जब प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज हुआ, द प्रॉफिट एंड द लॉसेस बैलेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट एंड द लॉस बैलेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। इसी पॉइंट पे बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। देखिए कंफ्यूजन क्या है, समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बात समझिएगा यहाँ पे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी होता है, मतलब तो अगर आपको कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तब आप उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में ही करते हैं, तो ये प्रॉफिट भी होता है इसमें लॉस भी होता है। पर सुनिएगा ध्यान से, जब भी प्रॉफिट होगा ना तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, और हमेशा जब भी लॉस होगा ना पीएल में तो वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दें कि प्रॉफिट एंड लॉस सो डेबिट बैलेंस, सो क्या कौन सा बैलेंस दिखा दे रहा है कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब हमेशा समझ जाएगा कि लॉस बता रहा है, और वही बोलते अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हमेशा प्रॉफिट दिखाएगा। तो याद रखिएगा पीएल अकाउंट के साथ अगर सीआर लिख दिया, मतलब सीआर मतलब क्या क्रेडिट, तो वो हमेशा प्रॉफिट दिखाएगा, अगर डीआर लिख दिया तो वो हमेशा लॉस दिखाएगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को आपको समझना है कि कंपनी का कौन सा बैलेंस दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है या लॉस दिखा रहा है। अब ये बात आप क्लियर कर लें कि आखिर अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, देखते हैं, द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट शो अ बैलेंस, बैलेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है क्रेडिट, मैंने आपको बताया था कि अगर क्रेडिट दिखाएगा तो वो क्या दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है, अगर डेबिट दिखा दिया तो वो लॉस दिखाएगा। मतलब पीएल अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड जो लॉस का जो बैलेंस होता है कंपनी का, कंपनी प्रॉफिट भी दिखा सकती है, कंपनी किसी साल प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी साल लॉस भी हो सकता है, पर डेफिनेटली क्रेडिट बोलेगा तो प्रॉफिट है और डेबिट बोलेगा तो लॉस होगा। कंपनी का दोनों होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो यहाँ पे साफ बता दिया कि कंपनी को फायदा हो रहा है कितना रुपए का, 1,50,000 रुपए का। तो चलिए यहाँ पे तो क्लियर बात है, और क्रेडिट जब भी बोलेगा तो क्या होगा, वो फायदा होगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट, और ये क्रेडिट बैलेंस लिख दिया मतलब क्या कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस है कितना है, 1,50,000 है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, फिर हम लोग बनाएंगे अच्छे से कि करना क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, जनरल एंट्री बनाने को रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंसेस इन द पीएल इमीडिएटली, मतलब जो पीएल अकाउंट है उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इमीडिएटली बिफोर चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। देखो यहाँ बोला गया क्या कि ये प्रॉफिट को आपको बांट देना है, कब कैसे बांटना है, बिफोर चेंजिंग, मतलब जो आपका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज होने से पहले बांटना है। तो जब देखिए हमारा प्रॉफिट कंपनी का 1,50,000 रुपए का, और ये बोल रहा है कि प्रॉफिट सेलिंग रेशियो होने से पहले बांटना है, तो किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। देखिए इससे तो पहले बोला है ये 2021 में 1:1 है, और इससे साफ बता दिया यहाँ कि आपको उससे पहले बेचना है, बांटना है इमीडिएटली आफ्टर बिफोर चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। तो चेंज कब हुआ है, तो यहाँ पे चेंज हुआ 2021 को, मतलब कि ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी का उसको हम लोग बांटेंगे तीन और दो में, मतलब इसमें नहीं बांटेंगे, इसमें बांटेंगे। मतलब इस तरह का क्वेश्चन में क्या है, किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उसको पार्टनर को बांट दीजिए प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में, और जब भी पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसको क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो कैसे बांटेंगे जरा देख लेते इसको, आप याद रखिएगा कंपनी का क्रेडिट बैलेंस पीएल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब फायदा है, और फायदा जब भी पार्टनर्स को हम ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर का नाम क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ नित्या, नित्या मतलब ए, और आनंद, आनंद मतलब ए को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्यों, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो अगर आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो पार्टनर का नाम क्रेडिट होगा, याद रखिएगा। यहाँ इसके अनुसार मत चलेगा कि यहाँ क्रेडिट लिखा हो तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये एक्चुअली में कि क्रेडिट बैलेंस एक्चुअली में सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, क्या दिखाता है, कंपनी को प्रॉफिट दिखाता है। तो डेफिनेटली देखिए पार्टनर का नाम नीचे है तो हम उसको क्या बांट रहे हैं, तो हम उसको पीएल अकाउंट बांट रहे हैं, अब पीएल अकाउंट मेरा यहाँ पे बिल्कुल डेबिट दिखा रहा है, पर एक्चुअली में जब बांटते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो ये 1,50,000 रुपये को अगर आप तीन और दो में बांटेंगे, तीन और दो में बांटेंगे, तो देखिए इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं।
तीन और दो का रेशियो है, तीन और दो मतलब क्या हो गया पांच, पांच से डिवाइड कर दीजिए आपको तो 30,000 आ गया। अब 30,000 को अगर 3 से इनटू करते हैं तो 90,000 हो जाएगा, 2 से इनटू करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो ये बढ़ गया, आप किसी तरह से बांट लीजिए अपना जो भी आपको मेथड आसान लगे। तो देखिए जो कंपनी का प्रॉफिट था उसने उसको मैंने पार्टनर्स को बांट दिया, आराम से बढ़ गया 3 और 2 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दिए, किसको कर दिए टू पार्टनर्स, किसको कर दिए पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिए, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, कौन सा रेशियो करेंगे, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, ऑल मतलब पुराना, कौन सा पुराना है तो 3 और 2 पुराना है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। बिल्कुल यहाँ साफ याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ऑल रेशियो में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ गुडविल जब देता है तब हम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं, याद रखिएगा जब गुडविल देता है तो हम सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं, पर अगर पुराना प्रॉफिट दिया रहे, किसी तरह का रिजर्व दिया रहे और उसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट ना पड़े तब आप हमेशा उसको ओल्ड रेशियो में ऑटोमेटिक बांट देंगे, और वहाँ पर न्यू रेशियो का जो काम होता है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ पुराना रेशियो काम होता है। तो ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा अगर वो ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अगर मान लो कि एग्जाम में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना दो, क्वेश्चन में बता देगा कि आप जनरलिटी तो मारो ही मारो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ आप सीधा बनाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया नित्या और आनंद, नित्या और आनंद, यहाँ पे आप लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दीजिए डेबिट, यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट, और यहाँ पता है आपको पार्टिकुलर लिखते हैं पार्टी प्लस, यहाँ पे लिखते हैं पार्टी प्लस लेजर है। अब देखिए यहाँ पे अब ये प्रॉफिट है, बांट किसको रहा है एन और एन को, तो जब बांटेंगे तो पार्टी का नाम क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब ये पीएल जो है प्रॉफिट वो बिल्कुल यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, इसका 90,000 रुपया, इसका 60,000 रुपया, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ा तो आप इस तरह से बना के छोड़ सकते हैं और ये आपको बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, देखिए बाय में जो रहता है वो डेबिट रहता है और टू में जो क्रेडिट है, देखिए दोनों क्रेडिट है तो ये दोनों टू में है। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तभी आसान, आप इधर से देखेंगे तभी आसान। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ याद रखना है क्वेश्चन नंबर जो 5 बताए थे, क्वेश्चन नंबर जो 9 बताए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में गुडविल था, अब गुडविल में हमेशा एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट होता है क्या, सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं, पर किसी कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दे या लॉस दें तो आप आराम से बांट सकते हैं। चलिए केस स्टार्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया, अगर लॉस देता तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग का ट्रीटमेंट क्या होता, मान लीजिए कंपनी अगर बोल देता है यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस में दे देता क्रेडिट नहीं, क्रेडिट में तो फायदा होता है और डेबिट दे देता तो क्या करते हैं, एंट्री क्या होता, कैसे दिखाते हैं, ये एक तरह का आपका मतलब कि आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में 2 में से 1 क्वेश्चन जरूर देगा। तो जब अगर लॉस दे देगा, ठीक ना, डेबिट दे देगा मतलब क्या है प्रॉफिट नहीं लॉस है, क्रेडिट लिखेगा पीएल अकाउंट में तभी वो फायदा है, अगर डेबिट लिख दिया तो वो लॉस हो जाएगा, और जब लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को तुरंत बदल देंगे, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, जब भी लॉस होगा तो पार्टनर नाम क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर नाम डेबिट हो जाएगा, तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर इसका हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, एंड एंड मतलब नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ 90,000 आ जाएगा, यहाँ 60,000 आ जाएगा, और नीचे भी पीएल अकाउंट चल जाएगा, पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट चल जाएगा 1,50,000 का, और नरेशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जैसे यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे, यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके बाद ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लॉस प्रॉफिट था तो इस साइड दिखाएं, तो लॉस रहेगा तो किस साइड लिखेंगे पीएल अकाउंट के इस साइड दिखा देंगे, 90,000 60,000 यहाँ लिख देंगे, ऐसे सबको क्या करेंगे हटा देंगे, ये तभी लिखाएगा जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा तो आप इस साइड दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर का नाम डेबिट हो गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो नए नए टॉपिक है पंप से रिलेटेड उसको हर एक को बताएंगे। पहले हम लोग छोटा छोटे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिटेल में बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो को अच्छे से देखें, क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इसको समझिए, और जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके पढ़िए और उसको साथ में उतारा भी कीजिए और डिस्कशन बिल्कुल कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत है तो जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक ना, चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको खत्म करते हैं और एक होमवर्क देके छोड़ते हैं। मान ली कंपनी को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर कंपनी 1,00,000 रुपये दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 1,00,000 रुपये, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है, प्रॉफिट रेशियो 3:2 ही है, अब बाद में चेंज हो गया 1:1 है। और अगर आपको मैं होमवर्क के रूप में सिर्फ प्रॉफिट चेंज कर देते हैं, जहां प्रॉफिट 1,50,000 था वहां प्रॉफिट मैंने आपको 1,00,000 रुपये दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा उसको आप बना के दिखाएं और साथ में एंट्री भी आप दिखाएं कि ये एंट्री क्या मारेंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में कैसे बनाएंगे। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट को चेंज किया, बाकी सब सेम है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द मोर अबाउट दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वीडियो द न्यू टॉपिक।